डॉक्टर लक्ष्मण यादव जुड़ गए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हमारे। सो डॉक्टर साहब सॉरी, उसमें आपका बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन अब इंटरनेट इतना अच्छा इतना ज्यादा ठीक हुआ है कि आपका चेहरा जरूर से ज्यादा चमकने लगा, ये वॉइस स्मार्ट लगने लगा आपका। अरे बहुत शुक्रिया, अभी आवाज ठीक आ पा रही है कि नहीं, चमक में तो बड़ा धोखा हो जाता है। नहीं बिल्कुल अच्छा, शुक्रिया। पहले मैं कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब मुझे मोबाइल से जुड़ना पड़ा। मैं ये बात कौन यही सी कह रहा कंपनी है था डॉक्टर? डॉक्टर कौन सी कंपनी का मोबाइल है जिसका चेहरा इतना साफ आता है? अडानी का, अंबानी का? नहीं नहीं वो मैं उन सबों का अभी तो उपभोक्ता नहीं हूँ, लेकिन है ये उसी में का है। बहरहाल बहुत अच्छा है कि मुस्कुराहट और सहजता सौम्यता जो आपके चेहरे पर है या आपकी बातों में है। मैं पिछली बार यही बात कह रहा था संजय जी कि सबसे पहले तो मैं इस पे टिप्पणी करना चाहता हूँ कि डराने का ज्यादा काम वो लोग ही करते हैं जो भीतर से खुद डरे हुए होते हैं। जो निडर होता है वो किसी और को डराने की कोशिश नहीं करता है। दूसरी बात कि जो तमगा, जो सर्टिफिकेट देने का दौर चल रहा है, इस दौर में लगातार सर्टिफिकेट बांटी जा रही है। मैं विश्वविद्यालय से जुड़ा हूँ, हमारे तमाम वरिष्ठ साथी हैं, अजय शुक्ला जी हैं, अशोक जी हैं, अनिल जी हैं, तमाम लोग, हम लोग इनको सुनते रहते हैं। तो सब अलग अलग दायरे से अपने अपने इन चीजों को समझते हैं। मैं विश्वविद्यालय के दायरे से जो देख पा रहा हूँ, उन लोगों ने ही हमें तमगा दिया। जब भी हम लड़े तो उन्होंने अर्बन नक्सल टुकड़े टुकड़े गए क्या क्या बोला। वैसे ही अब पत्रकारिता के दौर में उन्हें वो लोग पसंद हैं जो पत्रकारिता उनके पक्ष में कर रहे हैं। मैं वाकया, चूंकि अशोक जी बैठे हुए हैं, फिर भी मैं जिक्र करना चाहता हूँ गणेश शंकर विद्यार्थी का, जो जो उनके उनसे किसी ने कहा कि पता नहीं अशोक जी इसको बाद में जोड़ देंगे कि किस्सा पूरा क्या था, मैं बस उसका उल्लेख कर रहा हूँ कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि आपका फला पत्रकार बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने वापस लौट कर अपने उस पत्रकार को नौकरी से निकाल दिया कि अगर सत्ता तुम्हारी तारीफ करने लगे तो इसका मतलब तुम पत्रकारिता नहीं कुछ और कर रहे हो। सत्ता जो सर्टिफिकेट बांटने वाली सत्ता है, अगर वो तमगे दे रही है और उसकी बजाय एक तमगा जनता का है, वो आपके साथ खड़ी है, वो आपके सवालों और आपकी बेबाकी के साथ खड़ी है। आवाज दबाने वाले लोग लगातार इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं, उन्हें उन्हें वैसे प्रोफेसर और वाइस चांसलर भी चाहिए जो जेएनयू जैसे एक विश्वविद्यालय को इतने सलीके से, इतने कायदे से बर्बाद करे कि उसके बाद उसे यूजीसी का चेयरमैन का बना दिया जाए ताकि वो देश भर के विश्वविद्यालयों को बर्बाद करे। कुलपति से लेकर के प्रोफेसर जो विचारधारा देख करके नियुक्त किए जा रहे हैं, वैसे ही पत्रकार भी नियुक्त किए जा रहे हैं। तो मुझे तो हबीब जाली भी याद आते हैं, क्योंकि आपके चैनल पर मेरी छवि बन भी गई कि कविताओं को बहस में मैंने बार बार याद किया है। लेकिन साहित्य, संस्कृति, कला, इन्होंने प्रतिरोध के पक्ष में, जनता के पक्ष में खड़े होकर के हर दौर की सत्ता से मुठभेड़ की है। मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ, अभी अजय जी तुलसीदास का जिक्र कर रहे थे, वो पूरा भक्ति मूवमेंट अपने दौर की सत्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ खड़ा था। उन्होंने लिखा कि संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पन्हियां टूटी, बिसर गयो हरि नाम, और जाको मुख देखत दुख उपजे ताको कर परि प्रणाम। तो हम चाकर रघुबीर के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार। उस जमाने के सत्ता प्रतिष्ठान के सामने भक्ति आंदोलन के कवियों ने, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, थोड़ा इसका हिंदी भावार समझा दीजिए दर्शकों को। हाँ बिल्कुल, बहुत आसान है। पहले वाले पद का यही है, वो फतेहपुर सीकरी सत्ता की राजधानी का केंद्र है, और वो हमारा भक्तिकालीन कवि कहता है कि दरबार में मेरे जाने का कोई मतलब नहीं, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। जो फकीर है ना, जो जो खुद फेक ओबीसी हो, वो भरा हुआ है, तो ये जो काम किया उन्होंने उसके चलते उनके सामने ये कहा गया कि हमारे लोगों को सत्ता से चापलूसी और चाकरी का काम नहीं है। जाको मुख देखत दुख उपजे ताको कर परि प्रणाम, जिसका चेहरा देख करके कष्ट होता है ना, हमें उसके दरबार में जी हुजूरी करनी पड़ती। और आज जी हुजूरी करने वाले बड़े बड़े ओहदे पर बैठ रहे हैं। हबीब जाली पाकिस्तान के शायर, और आपके चैनल को चूंकि आपने मौका दिया है तो मैं उसका और लाभ उठा रहा हूं। अभी सुन रहा था अशोक जी, तो सांड का जिक्र अभिधा लक्षणा व्यंजना में कहां तक ले गए, वो आप तय कर लीजिए कि आपके चैनल को कहां तक ले जाएगा। मैं तो हिंदी पढ़ाता हूं, मैं जानता हूं कि लक्षणा से ज्यादा व्यंजना मारक होती है। अशोक जी ने आज व्यंजना के तीर चले, मैं उसे जोड़ रहा हूं। पाकिस्तान के शायर, और शायर में जब पाकिस्तान कोट कर रहा हूं तो इसके साथ कि शायर कवि विचारक किसी देश काल और परिस्थितियों की सीमा में नहीं होते, विचार निर्बाध होता है। और उसने लिखा कि दीप जिसका महल्लात ही में जले,
चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। प्रतिरोध मंच पर कविताएं पढ़ते हुए उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई थी, जेल में डाला। मैं एक बात कहता हूं संजय जी, सावित्री बाई फूले के ऊपर जो लोग गोबर फेंकते थे ना पढ़ाने जाने के समय, वो इतिहास में गुम हो गए, और गोबर का पूरा मार झेलने वाली सावित्री बाई फूले अमर हो गए। जब तक शिक्षा का इतिहास रहेगा लोग सावित्री बाई फूले को याद करेंगे। ये दमन करने वाले नफरती लोग पीढ़ियां बर्बाद कर रहे हैं, और सच दिखाने वाले लोगों पर इस तरह से जुल्म ज़ियादती की जा रही है। निष्पक्षता और तटस्थता और सर्टिफिकेट, इन सब के लिए जनता आपके साथ खड़ी है, मैं वहां आपको सैल्यूट करता हूं। और आखिरी टिप्पणी ये कि जो आपका विषय है उस पर बस छोटी सी टिप्पणी, मैं चूंकि उसी पूर्वांचल से आता हूं, मैं पूर्वांचल आजमगढ़ मेरा घर है, जिसे अभी कल परसों से फिर से आतंकगढ़ कहा जा रहा है। मैं आपके चैनल पर प्रतिरोध दर्ज कराता हूं उन लोगों से जो दिल में गोडसे और जुबा पे गांधी, दिल में गोडसे गोलवलकर हेडगवार और जुबा पर फूले अंबेडकर पेरियार को रख रहे हैं, उन लोगों को सीधे खुली चुनौती दे रहा हूं कि आपकी सर्टिफिकेट से कोई शहर बदनाम नहीं होने। आपने उस शहर को आतंकगढ़, अभी कल मिनिस्टर कह रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं, ये चले पूर्वांचल में जो पांचवें चरण तक जितना भी हिस्सा हो रहा है उसका असली जवाब पूर्वांचल की जनता देने को तैयार है, छठे और सातवें चरण। और ओम प्रकाश राजभर, तमाम पिछड़ी पार्टियां, पिछड़े दल के लोग और पिछड़ी जातियों की बात पे आखिरी टिप्पणी कर रहा हूं संजय जी, ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था, आप कह तो रहे कि जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे। मैं भक्ति आंदोलन पढ़ाता हूं तो मुझे लगा तुलसीदास राम को लाए थे, वाल्मीकि राम को लाए थे, ओम चरयू में राम आए थे, 300 किस्म की रामायण में राम आए थे, और हमको पता ही नहीं था कि मोदी और योगी राम को लाने वाले थे। इतिहास बदल दिया और उस पर वोट मांग रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पिछड़ी जातियां, दलित जातियां, उन्होंने एक बात समझ ली कि सबसे ज्यादा अहित अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा ने किया है। और अभी राजस्थान में एक आईपीएस जो दलित था ना, उसको घोड़ी पर चढ़ने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। जाति ऐसे काम करती है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, उसके बाद अभी एक वैकेंसी आई है। हर जगह ओबीसी और एससी का कट ऑफ यूआर से नीचे जा रहा है और ऊपर जा रहा है, हर जगह घोटाला, उनका हक मारा गया, उनको उनके नेताओं को स्टूल दिया गया। क्या ये सारे लोग भूल जाएंगे? और खेती किसानी की ये जातियां हैं, कामगार मजदूर मेहनत कश जातियां हैं, इनके मेहनत कश पेशे को बर्बाद किया। कोविड में अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, किसानी चौपट हो गई है, नौजवानों का भविष्य चौपट हो गया है। इसका हिसाब करने के लिए वो भी जनता इंतजार कर रही है। और अगर ये जनता इसका हिसाब नहीं करती है तो जनता योगी को दोबारा डिजर्व करती है, लेकिन मेरा भरोसा जनता पर है, वो हिसाब करेगी। और पिछड़े, दलित और जो भी संविधान के पक्ष में खड़े लोग हैं, जो न्याय के पक्ष में खड़े लोग हैं, वो ऐसे नफरती लोगों को सत्ता से बेदखल करेंगे। मेरी यही कामना है। शुक्रिया। लेकिन कविता पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। लक्ष्मण जी, आज आपने बहुत बढ़िया किया, लेकिन पाकिस्तान के शायर को सुनाना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपके नाम के पीछे यादव है। यदि साइकिल को लेके समाजवादी पार्टी आतंकियों के साथ जुड़ती है, आपने यादव ने पाकिस्तान का शायर सुनाया, शायद फिर आपको यादवों पे फिर एक बार समाजवादी पार्टी को घेरा जाएगा कि यादव सिर्फ पाकिस्तान के शेर को ही सुनाते हैं। इसलिए मैंने स्वर्गीय अटल जी को भी सामने रखा और मैंने कहा कि आप उनको पुत्र पुरुष नहीं मानते हैं, हम मानते हैं। अटल जी पत्रकार भी थे, हम उनको हमारा पितृ पुरुष मानते हैं। आज अटल जी होते तो शायद जेल में होते, क्योंकि इतनी कड़ी बात कहने की हिम्मत और किसी में नहीं थी। जी लक्ष्मण जी, कुछ कह रहे थे। लक्ष्मण जी कुछ कह रहे थे। लक्ष्मण जी म्यूट है आप। माइक 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 माइक। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अशोक जी बचपन में जब मैं साइकिल चलाता था तो मुझे पता ही नहीं था कि उससे बम वम भी फेंका जाता है, उससे आतंकवादी हमला भी किया जाता है। नहीं तो पता नहीं, मतलब हम तो गिरते पड़ते साइकिल चलाते रहे और कभी नहीं पता था कि ये किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। मतलब हाथ एक पार्टी का चुनाव चिन्ह है, उसका इस्तेमाल कैसे करते होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि बिहार का यूनिट जो है बीजेपी का, वो असमंजस स्थिति में है कि हम नीतीश कुमार का समर्थन करें कि न करें, क्योंकि उन्होंने तमाम लड़कियों को बिहार के प्रधानमंत्री जी के भाषा में आतंकी बना दिया साइकिल दे देगी। बिल्कुल,
प्रधानमंत्री के बाप भी लगता है आतंकी थे, वो भी साइकिल से चलते थे। मैं तो कहता हूँ सर, कोई भी गरीब कमजोर मजलूम है ना, मेहनत कश है ना, वो सबसे पहले अगर पैर से चलने के बाद कोई एक वाहन पाता है तो साइकिल पाता है। वो तो सारे मेहनत कश लोगों के खिलाफ है। खेती किसानी के लिए सबसे बढ़िया अगर कोई एक चीज है तो वो साइकिल है। कैसे लोग यहाँ पर है, भाषा का स्तर गिरा है या इनके जहनियत का स्तर गिरा है, कौन ज्यादा गिरा है ये पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि कविताओं का जो पूरा दौर है, कविताओं की जो पूरी संरचना है, प्रतिरोध की संरचना, हम सामाजिक न्याय के मानने वाले लोग हैं और हम जानते हैं कि आंख में आंख डालकर सच कहने वाले व्यक्ति का नाम गौतम बुद्ध था, कबीर था, रैदास था। और सही कह रहे हैं अशोक जी, अगर आज कबीर, रैदास, नानक होते, पलटू दादू भीखा होते, ये तो सारे लोग जेल में होते, यूएपी लगा देते ये। और अगर बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, अब्दुल कयूम अंसारी और ये लोहिया और अम्बेडकर यूपी में होते तो इनको इनको तो बुलडोजर चलता कि इनके ऊपर ठोक देते, इनको क्या करते। हम तो आंख में आंख डाल करके सच कहेंगे। डॉक्टर लोहिया, एक आखिरी किस्सा बस मैं जोड़ देता हूँ, डॉक्टर लोहिया से एक महिला गई आजादी के बाद तो पूछा कि आप लोग तो बड़े बड़े नेता बन गए, आजादी में हमें क्या मिला। तो लोहिया जी ने कहा कि नेहरू इतने बजे जाएंगे और संसद पे, वहां जाके आप पूछना उनका कॉलर पकड़ करके। अगले दिन वो महिला गई और कॉलर पकड़ करके नेहरू से पूछती कि इस आजादी में हमें क्या मिला। तो नेहरू कहते हैं पलट करके कि आपको यही मिला कि आप अपने प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ कर सवाल पूछ सकते हैं। ये लोहिया नेहरू की विरासत का दौर था। आंख में आंख डाल करके दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे। एक दिन पूरे सदन में लोहिया ने भाषण नहीं दिया, नेहरू अपनी सीट से उठ करके जाके पूछते क्या हुआ, सब ठीक तो है, आज मेरे खिलाफ कुछ बोले नहीं। और आज हम कहां आ गए, ये खिलाफ बोलने वाले हम प्रोफेसर लोग, पत्रकार लोग, तमाम लोगों को इन्होंने क्या क्या नहीं कह दिया है। हम हमेशा प्रतिरोध के पक्ष में खड़े होंगे क्योंकि नागरिक होने का धर्म यही है कि हम प्रतिरोध के पक्ष में खड़े हों। बाकी मेरे यहाँ अभी बस अशोक जी, मैं शायद इसलिए बच जाऊंगा उस सबसे कि अभी मैंने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। मैं बिना बुलाए बिरयानी लेकर, शॉल लेकर के माँ के उसके बधाई देने के लिए नहीं गया हूँ, तो हो सकता मैं बच जाऊं। लेकिन बात उन्होंने आपने ठीक कही है कि यादव होने के नाते पूरी की पूरी कौम को ये कहा जा रहा है। मैं तो कभी कोई सोचता हूँ संजय जी, चूंकि आज माहौल दूसरा है आपके यहाँ बातचीत का, कभी सोचिए कि आदिवासियों पर क्या गुजर रही होगी जब उन्हें एकदम अपराधी कहा कर गोली मारी जाती, मुसलमानों पर क्या गुजर रही होगी जब उनकी दाढ़ी और टोपी देख करके मारा जा रहा। आप पूरी की पूरी कौम को बदनाम करते हैं और यादवों के लिए आप कह रहे हो कि अपराधी है। ये सारा विमर्श अपराध का विमर्श हो गया। और उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेंगे तो पूरे पूरे देश में आतंकवाद बढ़ जाएगा। ये नाकारा और निकम्मा लोग हैं। इतिहास की पुस्तक में ऐसे 5 साल 10 साल एक पन्ने पलटने पे पलट जाते हैं, लेकिन कबीर कभी पलटे पलटाएंगे नहीं। हम कबीर के वंशज हैं और कबीर के यहाँ जो तेवर था कि जो कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ और जो घर जा रो आप ना चले हमारो साथ, वो तेवर हम लेकर के पढ़ते पढ़ाते हैं। न इनकी बदौलत हमें कुछ मिला है, न ये हमसे कुछ छीन सकते हैं। आखिरी में ये एक शेर बहुत अच्छा है कि वो जो रखते थे हम एक हसरत तामील तो है, वो लूटने वालों ने सब कुछ लूट लिया, लेकिन हसरत तामील जो है वो हमारे पास बची है, वो कोई छीन नहीं सकता। शुक्रिया।